लखीमपुर खीरी के भिजुआ ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। फुटहा ग्राम का प्रधान फुटहा गांव के ग्रामीणों ने बताया, ग्राम प्रधान लाभार्थियों से आवास के नाम पर कर रहे हैं अवैध वसूली। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर विकास खंड अधिकारी का क्या कहना है। यहाँ क्रियान्वित करने के लिए बैठे हैं और हम लोग उसके प्रति पूरी तरह से सजग हैं। जहाँ कहीं भी शिकायतें आ रही हैं उन पे तत्परता से जांच करके और जो भी मतलब है कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है, वो वसूली की भी कार्रवाई है, FIR दर्ज कराने की भी कार्रवाई है। वहीं जब इस मामले पर गांव के प्रधान से सवाल पूछा गया तो पहले तो वो बातों को घुमा फिरा कर बोलते रहे और बाद में मीडिया का कैमरा देखकर अपना मुंह छिपाने लगे। बैंक में पैसे आने के पश्चात आप उनसे पैसे निकलवा लेते हैं, लेकिन आवास के नाम पर 20,000 रुपए की मांग करते हैं, क्या मामला है पूरा? हम तो साथम नायक ने उनके गलत कहा थे, ना पैसा कभी मांगा गया किसी से। अपने आप लाभार्थी निकाल बनाई नहीं। अच्छा, लाभार्थी द्वारा आवासों के नाम पर कितना पैसा उन लाभार्थियों को दिया गया, कितना पैसा क्या पहुँचा है? 1,37,000 किस्तें आई रहा, 2 किस्तें आई हैं, 2,75,000 भाई बाकी आई। यहाँ हम आपको बता दें कि ग्राम फुटहा के प्रधान का ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रधान खुलेआम लाभार्थियों से खर्चा पानी मांग रहे हैं। हेलो, हेलो, जयराम प्रधान। हाँ, जयराम जयराम जयराम। मैं तुम्हें चाची कुछ बात कराती आज जाए पर ही ना मालपुर जाए की रहाई दे ले मालपुर। हाँ, वहाँ बैंक में इतने देखे आ रहा तू चल ले इतने देखे आ रहा हो। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ बताओ भाई, हाल ठीक है? हम कहाँ बताए, हम तो कहना है निकलवाओ जाए तो निकलवाओ, तो हम कह रहे हैं तो भाग गया है, बताओ हम क्या कह रहे हैं। नहीं तब तुम ये बताओ, अच्छा ये बताओ, कहो खर्चा पानी थोड़ा बहुत लागत है कि आखिर डीजल पेट्रोल रोज भूखी थे खाली 15,000 तो रहा है, 2,000 रुपया खर्च हुए। नहीं तो हम तो भैया देख कर भी रहे हैं, नहीं हम तो देख कह रहे, बताओ कत्ते कहीं का देख पर है, तुम बताओ तो चलो निकलवा चलो। कत्ते कोई भी नहीं देख बात, हम तुमसे कहना है जौन 1,000-2,000 रुपया जौन तुम मल्या दो हसी खुशी तेन तो दो आगे अपन दे दियो, और तो ना तुमसे कहना है कुछ। कहे तो बिल्कुल कहा कि कौन अधिकारी पैसा ले तो उससे बात कराओ, अब कहाँ वीडियो देखे तो कहा कि हम अपने आप देगा, इस तरीके से बात करी जा। अरे भैया उनका का मालूम, तुम हमारे खाता पर हमका निकलवा दे चला, हम तुम जितने बताओ उतने देवा ठीक। तो फिर कल ही हमसे फोन करी ना, तो करना घर आओ। हाँ, घर ही नहीं आया बैठक, ये घर कल रहा ही नहीं। अच्छा तो हम कहते घर में आ रहा है, तुम आओ और तैयार होकर दोपहर हम निकलवाए दी चले चलो, लेकिन वापस पहले वाली करिए जो देखो तो फिर हम बनी रहे खाता रोक ला दे, ये समझ लो। पहले वाली का करिए, हम तो वही दिन कह रहे निकले, इनकी थोड़ा ना बात है, बात तो हम पर है, है? अब जो कुछ हम ले तुम आओ तब बात हो। हाँ? ठीक। हाँ। तुम ही आओ ले आओ, चलो भैया कोई ना है घर, कोई बात नहीं तो हमका हम अबा दोपहर है कई बार। हाँ तो दोपहर का हो जाए तो अंतो पर सकते हैं, नहीं जब हम चल बात हमारे द्वार हो जा, जब हम कहो तो उनका पता ही भी हम खाना ही से बनाई थे, तब तुम खाना बना लो फिर आओ, या तो हम है ही बहुआ ठीक, तो आओ तुम है चले आओ बताओ फिर चली हम चलेगा ठीक, तुम खाना बनाओ तो रोक कौन लगाई थी, जब हम तो पैसा दे कही रहे हम तो ना ही तो ना करे निकले, तो उनसे चिराई निकाई दी ने हमारे खाता पर हमारे है तो कोई शिकायत जरूरी पैसा हम हमारे पर नहीं करी। रोक कौन लगाई ये बताओ, रोक लगाओ रोक दिखा रहा हूँ मैं। हाँ तुम्हारे अलावा तो ना है, लेकिन जब ये लौंडा बताए नहीं हम तो मैं क्या मान विधायक जी आ रहा हूँ ईरान मीटिंग में, लौंडा का अलग और कहा था पंजाबी जुड़ने की, फिर फोन कर दिया तो कत्ते खनाई बताओ, कत्ते खनाई ये करवाओ चलो ठीक है, देखो आओ तो ठीक। हाँ,
थे। SPN9 न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।